हमारे साथ किसान लोग आए, मैं सबका सरपंच शेख मोहम्मद बशीर कोठा लवर से। तो आज इनका ये मांग है कि जो हमारी इरीगेशन डिपार्टमेंट की जो कूलें डैमेज हो चुकी है, इन कूलों का जो है बंदोबस्त किया जाए, इन कूलों को रिपेयर किया जाए, और जो नेशनल हाईवे जो बन रही है उस नेशनल हाईवे में जो ये दोनों कूलों को जो पॉइंट आ रहा है, और इनको जो है ये उनको उस रोड के बीच में अंदर जो है इनको पाइपें डाली जाए ताकि ये पानी थ्रू हो जाए। और अभी पनीरी का टाइम है, और मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि इनको जो पनीरी का जो है अभी जो काम चलने वाला है, और इनको जो है पनीरी के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। हवा को अभी हमने 7-8 महीने हो गए, 2024 में जो फ्लड आया और ये पूरा गिर के नीचे चला गया इसमें, और इसमें जो ये कोई बंदोबस्त नहीं है, और इसको जो है ये इसको भी बंदोबस्त किया जाए। यहाँ से जब तक ये नवा नहीं रिपेयर होगा तब तक ये पानी यहाँ से जा नहीं सकता, और तकरीबन 50 कुंबे ही इससे आगे ज़मीन में जो है ज़मींदार लोग हैं। ये आपने देखा ये ज़मींदार लोग मेरे साथ आए हुए हैं, इनकी मांग है, और ये मैं इनकी तरफ से ही मेरी ये गुजारिश रही सरकार से और खासकर डीसीपी से कि जनाब इरीगेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इनको हदायत दी जाए, और ताकि इन लोगों का पानी का बंदोबस्त किया जाए। हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन सुरन कर, हाय हाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय जमींदारों की जमीनों को पानी दो जमींदारों की जमीनों को पानी दो। हमें क्या चाहिए इंसाफ, हमें क्या चाहिए इंसाफ, जमींदारों की जमीनों को पानी दो। मैं नाजुक जजुआ पोठा लोवर से, हमारी अरसा दराज से ये डिमांड रही है महकमा इरीगेशन से कि हमारी जो आबी अराजी है उसमें पानी की सख्त पिछले 2-3 सालों से किल्लत है। इस साल भी हम महकमा इरीगेशन के पास कई बार गए हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने आज एहतजाजन तो एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें तमाम लोग ये शामिल थे जो आपने देख लिए कि यहाँ मौजूद थे। हमारी ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि पोठा लोअर, पोठा छेड़िया और पोठा ऊपर की जो दो कूल है, ये पिछले साल से इनका कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। इसका जो मेंटेनेंस का पैसा है कहाँ गया है, वो तमाम डिपार्टमेंट ने खा लिया या हमें कोई इसके बारे में मालूम नहीं है। हम ये डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त पनीरी का टाइम है, जो जिम्मेदार हैं वो इस वक्त परेशान हाल हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस एरिया में पिछले साल से इस साल तक कोई मुलाजिम इस एरिया में नहीं आया जी। हमने कई बार मतलब किया कि साइड पर जाकर देखें कि इस वक्त क्या पोजीशन है, और वो लोग वहां ही बैठे पैसे खाकर हजम कर रहे हैं, और तकरीबन जो लोगों का इनकम टैक्स की शक्ल में जो पैसे जाते हैं वो पैसे ये लोग खा रहे हैं, और जिम्मेदार परेशान बैठा हुआ है यहाँ। हम ये गुजारिश करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन इरीगेशन डिपार्टमेंट को या तो इनको फिलफौर यहां से चेंज किया जाए, नहीं तो यहाँ जो है कोई ऐसा मुलाजिम लगाया जाए जो देखे कि साइड में किस तरह लोग परेशान है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इसी तरह होता रहा तो हम रोड ब्लॉक करेंगे और एहतजाज करेंगे, और हम इस वक्त गुजारिश करेंगे। वो एक अच्छे आदमी है कि जनाब इस बारे में फिर फौर गौर करें और इसके बाद जिम्मेदारों को जो है वो राहत पहुंचाए। मैं इसी पहचान